अस्सलाम वालेकुम वाडियर स्टूडेंट्स, वी डिस्कस्ड ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी लेसन, वेदर इट वॉज अ प्रोज सेक्शन, शॉर्ट स्टोरी, पोएम्स, प्ले, एवरी लेसन वी डिस्कस्ड. नाउ वी विल अगेन रिटर्न टू लेसन नंबर वन. To discuss it is vocabulary section, grammar section, whatever is given at the back of the lesson. Let's take first the vocabulary section. You will concentrate, I believe that you will concentrate on your given subject. That's vocabulary section. Which is given after the comprehensive questions. This is marked at A. Many words in English are formed from a set of words which are then used when different prefixes and suffixes. Knowing the root words will help you to guess the meaning of these words in the context. Study the examples given below. मतलब यह है कि English में बहुत सारे words form किए जाते हैं, बनाए जाते हैं किसी root word से. Root word में या तो prefix डाला जाता है या suffix डाला जाता है, तो word एक नया word अमल में आता है जिसकी मीनिंग पहले वर्ड से ऑल्टोगेदर डिफरेंट होती है. तो पहला वर्ड हमारा दिया गया है वोकैबुलरी सेक्शन में स्पेक्ट. स्पेक्ट का मतलब है टू सी. वी शुड रेस्पेक्ट द लॉज ऑफ द कंट्री, लॉज ऑफ ए कंट्री. एग्जाम्पल में दिया गया है इट मीन्स वी शुड लुक टू द लॉज, लुक अप टू लॉज ऑफ द कंट्री. हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए अपने मुल्क के कानून को. द पुलिसमैन सस्पेक्टेड द मैन टू बी अ थीफ, दो इट वॉज प्रोबेबली ट्रू. फिर स्पेक्ट का बना दिया गया है एस यू लगा दिया गया है पहले, फिर टी ई डी ई डी लगा दिया गया पैट में, इसका altogether मतलब मीनिंग चेंज हो गया. दे मेड ए फॉर्चून आफ्टर दे ट्रेवल टू दिस कंट्री इन प्रोस्पेक्ट ऑफ गोल्ड. फिर स्पेक्ट का लगा दिया गया है पहले प्रो और आखिर में इसका पहले प्रो बना लगा दिया गया है, तो इसका बन गया स्पेक्ट का बन गया है प्रोस्पेक्ट. प्रोस्पेक्ट का मतलब है सर्च. The words thus formed from the root words could therefore be either verbs, nouns, or adjectives. तब ये जो भी words बनते हैं, तीन किस्म के words बनते हैं इनसे, या वो verbs होते हैं, या adjectives होते हैं, या nouns होते हैं. कैसे ये बनते हैं? या इनका प्रीफिक्स डाला जाता है इनमें, या सफिक्स डाला जाता है. कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो. द फर्स्ट वन हैज बीन डन एज एन एग्जांपल फॉर यू. यूज द डिक्शनरी टू फाइंड द वर्ड्स. आपको एक टेबल वहीं से दिया गया है, किताब में जो दिया गया है पेज नंबर 7 पे. तो इसमें वर्ब का सेक्शन अलग दिया गया है, एडजेक्टिव का सेक्शन अलग दिया गया है, एब्स्ट्रैक्ट का नाउन का सेक्शन अलग दिया गया है, पर्सन नाउन का सेक्शन अलग दिया गया है. आपको ये करना है कि कभी वर्ब सेक्शन में वर्ड दिया गया है, बाकी वर्ड आपको ढूंढने हैं. कभी पर्सन नाउन में वर्ड दिया गया है, बाकी सेक्शन का वर्ड आपको इसी वर्ड के अंदाज से ढूंढने हैं. कभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वर्ड दिया गया है, आपको बाकी बनाने हैं, ढूंढने हैं. तो आप इसका डिक्शनरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. मैं ये लिख लूं ताकि आप पर बात जो है वाजह हो जाए. यू विल अंडरस्टैंड फुली व्हेन
I will write it on the blackboard. Hope that you will see it and you will understand it. First is verb, adjective, abstract noun, person noun. Verb, adjective, then it is abstract noun, then it is person noun. ठीक है, ऐसे इसको हम टेबल की फॉर्म देंगे. तो अब हमें क्या है कि हमें वहीं से वर्ड दिया गया है. पहली लाइन तो वहीं से मुकम्मल हो चुकी है, यानी पहले वर्ड्स तो वहीं से दिए गए हैं. वन है ये, हम इसको सीरियल नंबर भी यहाँ लिख सकते हैं, दे सकते हैं. फर्स्ट है इंस्पेक्ट, इसका एडजेक्टिव है इंस्पेक्टिंग. एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है इसकी इंस्पेक्शन. एंड पर्सन नाउन इसका है इंस्पेक्टर. ठीक, यू अंडरस्टैंड बेटर. इंस्पेक्ट का मतलब है किसी चीज को, किसी का जायजा लेना, किसी को गौर से देखना, किसी की पड़ताल करना. तो जब ये करने की कोई चीज आती है, देन इट इज इंडिकेट्स दैट समथिंग इज गोइंग टू बी डन, समथिंग इज गोइंग टू बी परफॉर्म्ड. वी फुली अंडरस्टैंड दैट इट मस्ट बी वर्ब. ये तो वर्ब हो सकता है. देन एडजेक्टिव, व्हेन समबडी हैज अ क्वालिटी, समबडी इज attach it a quality to do something, a capacity to do something, or power to do something, it must be an adjective. Then abstract noun means when you take a certain form in your mind about something, but you can't touch it, you can't see it. Only you feel it. It's an abstract noun. Then a person noun, when something is attached to a person is supposed to do a certain job, then it is a person noun. ये इस बात में, इस पहले ही वाले वर्ड में बिल्कुल जाहिर हो सकता है. तो आपने इसको बेटरली अंडरस्टैंड कर दिया है. अब दूसरा है एडवर्टाइज या एडवर्टाइज. एडवर्टाइज इसका एडजेक्टिव होगा एडवर्टाइजिंग. इसी तरह से एडवर्टाइजमेंट, इसी का होगा एडवर्टाइजर. एडवर्टाइजर, ये भी मुकम्मल हो गया. दूसरा भी, तीसरा करने की चीज है.
इसका वहीं से एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म इसकी दी गई है, दैट इज इंट्रोड्यूसर। वन हु इंट्रोड्यूसेस समथिंग दैट इज कॉल्ड इंट्रोड्यूसर। तो इसका वर्ब फॉर्म होगा इंट्रोड्यूस। इसी तरह से इसकी एडजेक्टिव फॉर्म होगी इंट्रोडक्टरी। इंट्रोड्यूसर और पर्सन इसका होगा सॉरी, यहां पर इंट्रोडक्शन दिया गया है। इंट्रोडक्शन, इंडक्शन, और वहां पर है इंट्रोड्यूसर। ठीक है, इसी तरह से अब हमारे लिए दिया गया है सपोर्ट एडजेक्टिव फॉर्म। सपोर्ट ये फोर्थ कॉलम में है, सपोर्ट का ये एडजेक्टिव फॉर्म दी गई है, सपोर्ट का सपोर्ट ही है। सपोर्ट को एज वर्ब भी हम इस्तेमाल करते हैं और एज एडजेक्टिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और एज एडजेक्टिव इसको हम सपोर्टिव भी इस्तेमाल कर एज सपोर्टिव वर्ड भी हम लिख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से जो इसका एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है वो भी सपोर्ट ही है। और इसका पर्सन जो है सपोर्टर है। और फिफ्थ है, फिफ्थ कॉलम में क्या है, इसका एब्स्ट्रैक्ट वहीं से दिया गया है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो है कंपोजिशन। कंपोजिशन हमें क्या बनाना है, वर्ब एडजेक्टिव और पर्सन नाउन हमें यहां से ही बनाने हैं। तो इसका बन जाता है कंपोज। इसी तरह इसका जो एडजेक्टिव फॉर्म होगी वो होगी कंपोजिट। इसी तरह से उसकी जो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म होगी वो होगी कंपोजिटर। फिर नेक्स्ट कॉलम है, एक्चुअली ये सिक्स्थ कॉलम था, थोड़ा मैं चूक गया इसे, इसको हम फिफ्थ हम यहां लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ सकता है इसे। इम्पोज, हमें वहीं से वर्ड दिया गया है एडजेक्टिव फॉर्म इम्पोज की। इसी तरह है इसका जो एडजेक्टिव बनेगा वो है इम्पोजिंग।
जो इसकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म दी गई है वो है इम्पोजिशन। इसी तरह इसका इम्पोजिटर, और फाइनल में दिया गया है फाइनल वर्ड इसका जो है, जो हमें जिसके हमें वर्ड्स ढूंढने हैं, वर्ब, एडजेक्टिव और पर्सन नाउन, नहीं एडजेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और प्रॉपर नाउन, पर्सन नाउन, इसे हमें देखने पड़ेंगे, वो है ओप्रेस। ओप्रेस का है ओप्रेसिंग। ओप्रेसिंग इसी तरह से ओप्रेसिव भी आएगा इसका। ऑपरेशन ये इसका एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, और इसका पर्सन नाउन फॉर्म जो है वो है ऑपरेसर। ये हमारा इस तरीके से ये सेक्शन हमारा जो है कंप्लीट हो गया। अब इसका और सेक्शन है और एक फॉर्म है बी सेक्शन। इसमें है स्टडी द फॉलोइंग वर्ड्स एंड ऑब्जर्व द यूज ऑफ प्रीफिक्स इन देम। आपको वर्ड्स यहां देखने हैं, उनका प्रीफिक्स कैसे इस्तेमाल होता है, इसे क्या फर्क पड़ता है, ये देखना है। फॉर एग्जाम्पल वर्ड है डीपीपल्ड, मतलब विदाउट पीपल, रीअश्योर, शो अगेन, अनसर्टन, नॉट सर्टन। द प्रीफिक्स टी इज एडेड टू वर्ड रूट्स टू मीन अपोजिट, रिमूव, रिड्यूस। यानी हम डी का इस्तेमाल जब करते हैं, डी ई का, तो अगर किसी वर्ड में ये डालते हैं, रूट वर्ड में डालते हैं, तो इसके तीन मतलब आते हैं। एक मतलब होता है इसका अपोजिट, दूसरा मतलब इसका बनता है रिमूव, तीसरा मतलब इसका बनता है रिड्यूस। The prefix re is added to mean do again. अगर इसके बरकस re हम इस्तेमाल करेंगे और e, तो इस रूट वर्ड को, तो इसका मतलब बनता है फिर से दोहराइए do again. अगर prefix un का इस्तेमाल करते हैं तो इसका बनता है अपोजिट, इसका एंटोनियम बनता है। तो फिर क्या है हमारे लिए, क्या है, मेक ए लिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट यू कैन फॉर्म यूजिंग द प्रीफिक्सेस गिवन अबव। हम एक लिस्ट बनानी है वर्ड्स की, कि जिनका, जिन वर्ड्स का, जिन वर्ड्स में हमने डी को भी इस्तेमाल किया है, री को भी इस्तेमाल किया है और अन को भी इस्तेमाल किया है। ये हमारे लिए क्या है, एक एक्सरसाइज दी गई है। चलो थोड़ा बहुत इस पर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल
एक वर्ड हमारा है डिथ्रोन, इसी तरह से डिमोबिलाइज, इसी तरह से और एक वर्ड है डिट्रैक्ट, और एक आता है हमारे पास डिमिस्टिफाई। एक और वर्ड है हमारे पास डिवैल्यू, डिटेस्ट भी होगा। डिटेंशन, डिटैच, डिटैच। डिथ्रोन का मतलब है अगर कोई साहिब इक्तदार है इसको हमने इक्तदार से हटा लिया, तो ये इसका डिथ्रोन हो गया, वर्ड बनता है डिथ्रोन, यानी पहले जो था इसकी हैसियत को हमने इस प्रीफिक्स लगाने से इसको बिगाड़ दिया। तो इसका मतलब ये है कि हमने इसको डीएक्टिवेट कर दिया। इसी तरह से ही डीमोबिलाइज, कोई चीज मोबाइल थी, चल रही थी, हमने इसको डीमोबिलाइज कर दिया। डिट्रैक्ट, कोई चीज रास्ते पर थी, हमने इसको डिट्रैक्ट, इसका रास्ता मोड़ दिया। इसी तरह से है डीमिस्टिफाई, कोई मिस्टिफिकेशन में था, हमने इसको डीमिस्टिफाई कर दिया। इसी तरह से डीवैल्यू, डीवैल्यू किसी की वैल्यू थी, कीमत थी, हमने इसको डीवैल्यू कर दिया, इसकी वैल्यू हमने बिगाड़ दी। इसी तरह से डिटेस्ट, डिटेस्ट का मतलब है कि नफरत करना, इसकी कीमत को, इसकी इज्जत को हमने कम कर दिया। डिटेंशन, डिटेंशन का मतलब है किसी चीज को हमने बांध लिया, इसके हरकत महदूद कर दिए। इस तरह है डिटैच, कोई चीज किसी के साथ बंधी हुई थी, अटैच की थी, इसको हमने अलग कर दिया। तो इसमें अपोजिट वर्ड्स भी हैं। फॉर एग्जांपल वैल्यू है इसका, हमने डिवैल्यू कर दिया। डिट्रैक्ट है, हमने इसको ट्रैक जो है हमने इसको डिट्रैक्ट बना दिया है। इसी तरह से है अटैच जो है हमने इसको डिटैच कर दिया है। तो ऐसे ये वर्ड्स बनते हैं जब हम प्रीफिक्स डी का इस्तेमाल करते हैं। अब री का भी देखते हैं कि री के साथ क्या वर्ड्स बनते हैं। ये हो गया डी। अब री, प्रीफिक्स री का इस्तेमाल करते, फॉर एग्जांपल प्ले का बन जाएगा रीप्ले। इसी तरह से इंडक्ट कर का बन गया री इंडक्ट। इसी तरह से इंट्रोड्यूस का बन गया री इंट्रोड्यूस। इसी तरह से है
इन्फोर्स का बन गया री इन्फोर्स। इसी तरह से है इम्बर्स का बन गया री इम्बर्स। यानी फिर से दोहराना, फिर दोहराना, अगेन डू अगेन डू अगेन डू अगेन, इससे यही मतलब निकलता है। तो फिर अन से अपोजिट बनते हैं वर्ड्स। फॉर एग्जांपल फोल्ड का बनता है अनफोल्ड। इसी तरह से वेल का बनता है अनवेल। इसी तरह से वाइज का बनता है अनवाइज। ऐसे ये कोई मुश्किल मामला नहीं है, ये आप खुद भी कर सकते हैं, खुद भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारा रह गया ये है, ये हुआ था हमारा वोकैबुलरी पोर्शन। अब हमारा आता है ग्रामर पोर्शन। सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन शायद यही है ग्रामर पोर्शन। ग्रामर, ग्रामर पोर्शन में क्या है, स्टडी दीज एग्जाम्पल्स फ्रॉम लेसन। He always was the truest, staunchest old chap in the world. I have had to compete with some of the sharpest wits going to get my file. Truest, staunchest and sharpest are the superlative forms of the words. Box में दिया गया है दो words के बारे में, truest, staunchest और sharpest, तीन words के बारे में। तीनों जो है ये superlative form है। First होती है पॉजिटिव, कंपरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। वर्ड यानी वर्ड होता है, फिर उसके उसका कंपरेटिव फॉर्म होता है, फिर उसका सुपरलेटिव फॉर्म होता है। द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ई एस टी टू द मैन ग्रोथ वर्ड और बाय प्लेसिंग मोस्ट बिफोर इट। तो सुपरलेटिव कैसे बन जाता है, सुपरलेटिव को एड कर दिया जाता है यानी प्लस कर दिया जाता है, या वर्ड के सामने ई एस टी या उससे पीछे उसको मोस्ट लगा दिया जाता है, तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। अब यहां कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इसमें हमें अपनी तरह से जो भी सूट करेगा सुपरलेटिव फॉर्म वो हमें इंसर्ट करनी है। कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस यूजिंग ए सुपरलेटिव, ईएसटी और मोस्ट एंड ए प्रीपोजिशन व्हेन नेसेसरी। प्रीपोजिशन भी हमें जहाँ पर है सेंटेंस को सूट करने के लिए ये भी हमें ऐड करनी है। द फर्स्ट वन हैज बीन डन एज एन एग्जाम्पल। फर्स्ट का उन्होंने वहीं से कर दिया है। इट्स अ वेरी नाइस रूम। It's the nicest room in the hotel. Second का हम कर लेते हैं, number two. It's a very cheap watch. It is a very cheap watch. Cheap watch. यहाँ पर full stop है। It dash dash in the shop. It dash dash in the shop. जी हाँ, बताइए क्या हो सकता है आपके अंदाज से यहां superlative form। ये एक सस्ती घड़ी है, ये watch जो है कम कीमत पे बिकती है। अगर हम दूसरे अल्फाज में इसको सुपरलेटिव फॉर्म में डाल दें तो अगर कोई सस्ती है तो सबसे सस्ती हो जाएगा, अगर कोई कम कीमत पे बिकती है तो सबसे कम कीमत पे हम इसको बता सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ हम कहेंगे इज द चीपेस्ट वॉच, इट इज द चीपेस्ट, चीपेस्ट। एक बात आप याद रखें,
जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करें तो डेफिनेट आर्टिकल द आगे लगाना ना भूलिएगा, डेफिनेट आर्टिकल द आगे लगाना ना भूलिएगा। फॉर एग्जाम्पल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द शॉर्पेस्ट, द चीपेस्ट, इसी तरह से द फास्टेस्ट वगैरह वगैरह। सेंट थर्ड पॉट है, शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, और है शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। शी डैश डैश द क्लास, शी डैश डैश द क्लास, द क्लास, सी डैश डैश द क्लास। ये तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, अगर हम इसको सुपरलेटिव डिग्री में डाल देंगे तो हो गई मोस्ट इंटेलिजेंट, सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट ये क्लास में है। तो क्या लिखेंगे हम, शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, स्टूडेंट क्लास से के आगे इन जरूर आएगा, शी इज द मोस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, क्लास। इसी तरह से चौथा नंबर फोर, इट्स अ वेरी वैल्यूएबल पेंटिंग, इट इज इज ए वेरी वैल्यूएबल पेंटिंग, पेंटिंग, इट्स अ वेरी वैल्यूएबल पेंटिंग। इट डैश डैश द गैलरी, इट्स अ वेरी वैल्यूएबल पेंटिंग, इट डैश डैश द गैलरी। हम इसको लिख डालेंगे, इट डैश डैश